करना जरूरी है ताकि हम लोग अप्रूवल दे सके कंपनी को कि कंपनी हमारे और आपके बिहाफ में एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा यहाँ पे हम लोगों के लिए टारगेटेड ट्रैफिक ला सके। तो जो लोग अगर वो ऑप्शन नहीं देंगे, प्रोसीड का ऑप्शन अगर कंपनी को आप नहीं दीजिएगा, तो आपके बिहाफ में कंपनी टारगेटेड ट्रैफिक नहीं ला पाएगी। यानी वो अप्रूवल है आपके तरफ से कंपनी को, यस मैं आपको अप्रूवल देता हूं कि आप मेरे बिहाफ में मार्केटिंग कैंपेनिंग कीजिए और आप मेरे बिहाफ में टारगेटेड ट्रैफिक लाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो जिन लोगों ने किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो निश्चित रूप से आप उसको जरूर कर लें। और मैं आदिशी अरे से करूंगा कि वो बैकएंड पे नजर रखेंगे, हमारे अगर गेस्ट आ जाते हैं पैनल में तो उनको आप होस्ट बना दीजिएगा। जिनके भी माइक खुली हुई है कृपया बंद कर लीजिए। एक भाई का खुला हुआ है, शायद उनका क्या नाम है, ज्योतिष नाम क्या है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए। तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसके पहले उन्होंने रिकैप के बारे में जो बोला था वो हम लोगों ने वहां पर देखा है और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो पॉपअप मैसेज में आया है जो हम लोगों के बैक ऑफिस में है, उसके अलावा हम लोग कुछ बात नहीं करने वाले हैं। दोस्तों उन्होंने जो बात किया कि 25 जनवरी क्रिस और रेड सर, मार्टी सर ने अब कुछ अपडेट दिया था। 26 जनवरी को भी हमारे ओईएस में प्रोसीड यानी ये जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो आया था, उसके लिए हम लोगों ने सब लोग कर लिया है। 27 जनवरी को जो अपडेट आया था, ओर ऑन वेबिनार हुआ था जिसमें एसर आए थे, उसमें हमारे सीईओ उपस्थित थे। उन्होंने जनवरी से सप्ताह में 2 बार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इसकी भी उन्होंने वहां पे चर्चा किया था। इसके अलावा फ्लोरिडा में क्रिस जॉनसन के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी हुई है। 28 जनवरी को उन्होंने सभी भी जितने भी हमारे पेंडिंग विड्रॉल थे, यानी सॉरी पेंडिंग जो हमारे ओ कनेक्ट के परचेजिंग वाले अकाउंट थे उनको क्लियर किया गया है। और उन्होंने बोला था कि दिसंबर के बाद जनवरी में आपको बहुत सारी चेंजेज मिलेंगे, जो हुआ भी, हम लोगों ने देखा भी। 29 जनवरी को उन्होंने घोषणा किया था कि हम बल्क पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो जिसका उद्देश्य लंबित कमीशन जितने भी हमारे पेंडिंग कमीशन है उसको भुगतान करना, ये उसमें शामिल है था। और हैदराबाद में टी हब कार्यक्रम में सीओ सीएमओ मोहम्मद नजाल की भागीदारी, वहां पार्टिसिपेंट थी नजाल साहब, कमाल साहब और डॉक्टर तारिक अनवर, ये लोग वहां पर टी हब के माध्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग का आगाज इंडिया में उन्होंने किया और पूरी दुनिया को उसके माध्यम से जानकारी मिली। 30 जनवरी को हमारे जो पेमेंट गेटवे है उसमें बहुत सारा बदलाव आए। ओटीपी पहले नहीं आता था, अब ओटीपी से पेमेंट होना शुरू हो गया। माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे अपडेट हुए। और एस सर के लिए क्रिस को एक फ्लोरिडा में बैठक के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। और एस मुफारा ने क्रिस को फोन करके 360 के वेबिनार में उन्होंने सूचित किया था और उन्होंने बताया कि हम ओ कनेक्ट का जो मूल्य है यानी जो टैरिफ है वो कार्ड के भुगतान के लिए $93 आज रात मध्य रात्रि पर हम ये समाप्त कर रहे हैं, यानी 31 तारीख के मध्य रात्रि से वो समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर आज 1 फरवरी है, अमेरिका में 31 जनवरी है, तो वहां पर आज इंडियन टाइम 10 बजे दिन में ये सारा समाप्त हो गया। $93 का ऑफर सदा सदा के लिए बंद हो गया। इतना ही नहीं, जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी था वो वहां से हटा लिया गया है पेमेंट गेटवे में, मैंने अभी चेक किया था, तो कार्ड पेमेंट ऑप्शन इज नो मोर। तो बहुत बहुत आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। क्रिप्टो का विकल्प अभी कुछ समय तक उपलब्ध रहेगा। अगर जो लोग भी अगर ओकनेट को अभी परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर जो भी आपको मूल्य दिखाई देंगे
उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिप्टो से भुगतान कर सकते हैं। ये अभी कुछ दिन रहेगा, अब कितना दिन रहेगा आई डोंट नो, लेकिन जो अनाउंसमेंट क्रिस ने किया है उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज से हम 100 लोगों को पेंडिंग विड्रॉल शुरू करेंगे, यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हम 14,27,000 हैं उनमें से 100 जो भाग्यशाली विजेता हैं, विजेता तो नहीं कहेंगे लेकिन भाग्यशाली कहेंगे, जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था यानी जिनका विड्रॉल पेंडिंग है, ऐसे 100 लोगों को अभी हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है वो टेस्टिंग करने वाला है। यानी ऐसे भाग्यशाली 100 लोगों को उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल पर एक फॉर्म आएगा, वेरिफिकेशन फॉर्म, उस फॉर्म को आपको भली भांति देख करके और आपको सबमिट करना है। वो फॉर्म में क्या है नहीं है, चूंकि मैं तो अभी देखा नहीं हूं, जिनको आएगा, अगर मुझे आएगा तो मैं निश्चित रूप से आप सबको उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं या कंपनी अपने माध्यम से आपको जानकारी देगी। लेकिन जो रात में बातें हुई, जो क्रिस सर ने बताया कि वो एक केवाईसी नहीं है, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन था कि वो केवाईसी है, तो दोस्तों वो केवाईसी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है उसके ओर से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि रियल में आप ही हैं कि कोई दूसरा है। तो आपको वहां पर बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, अगर जिनको भी ये अल्टरनेट ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा या ओमेल पर आएगा तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उसको पढ़ना है, समझना है। आपको नहीं समझ में आए तो अपने ब्लेसर से बात कीजिए या आप जिसके भी कंसर्निंग में है आप उनसे बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, इसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन किन्हीं भाई बहनों को इस तरह का मैसेज उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएगा वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो कृपया जल्दबाजी ना करें, उसको भली भांति पढ़े, जो रिक्वायरमेंट वहां पर मांगा जा रहा है उसको आपको फुलफिल करना अति आवश्यक है। अगर आपने उसमें कोई भी गड़बड़ी की तो शायद आप वंचित रह जाएंगे आप पेमेंट लेने से। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिनको भी अल्टरनेट ईमेल आईडी पर या ओमेल पर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट से कोई मैसेज आएगा तो कृपया आप ध्यान से पढ़िए और उसको रिप्लाई दीजिए। फॉर्म आएगा, मैं बहुत पहले यहाँ वेबिनार में कह चुका था कि एक फॉर्म आने वाला है, शायद आप लोग को याद होगा या नहीं भी याद होगा तो हमारे पिछले जितने भी यूट्यूब रिकॉर्डिंग है आप उसमें सुन सकते हैं। मैं बहुत पहले कह दिया था कि अभी यहाँ पर आपको कोई इसमें बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, आपको एक फॉर्म आ सकता है जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉट केवाईसी, दिस इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन, आपका पहचान वेरीफाइड करना चाहता है हमारा पेमेंट मर्चेंट, दैट्स इट। तो ये है बातें। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने ईमेल की जरूर आप जांच करते रहिए, वो भाग्यशाली 100 लोग कौन होंगे वो किसी को नहीं पता, कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा वो कौन होंगे ये किसी को जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चेहरा देख करके सेलेक्ट करेगा ये फलाने हैं वो ढिकाने हैं, नो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा जिनका पेंडिंग विड्रॉल है उन्हीं को। उसके बाद उन्होंने क्रिस्टर ने बोला कि मंडे तक सोमवार से हम प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और इसमें पेंडिंग विड्रॉल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बोनस एंड मोर बोनस एंड कमीशन लाखों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आने वाले सोमवार। यानी कि आज आप जान रहे हैं कि आज क्या है, वेडनेसडे कल था, आज क्या है, थर्सडे है, गुरुवार है, तो आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन के बाद सोमवार आ रहा है जो मंडे, उस दिन से बल्क पेमेंट शुरू हो जाएगा सभी के लिए। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए 100 लोगों को ये पेमेंट भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, आने वाले सोमवार से सभी लोगों का बल्क में पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों को अपना अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी
चेक करते रहना है आपके, अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी पर नहीं दिखे तो अपना ओमेल भी चेक करना है, शायद हो सकता है कि वो ओमेल पर आए। अभी अभी जब मीटिंग शुरू कर मैं कर रहा था तो मैं अपने ओमेल को भी चेक किया और अपने ईमेल को भी चेक किया। तो आपके नाम से जितनी भी आइडिया है आप उसको चेक करिए, और संभवतः उन्हीं को ये मेल आएगा जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था और उनका विड्रॉल पेंडिंग है, उन्हीं को संभवतः ये मैसेज आने वाला है उनके मेल पर, अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल आईडी पर। तो ओमेल आईडी कहाँ आपको मिलेगा? आपके ओईएस जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट आपको शो करते हैं, ओनेट, ओमेल, ओ कनेक्ट, वहीं पर आपको ओमेल मिलेगा। आप उसको ओपन करेंगे, अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो कृपया आप अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप वर्जन में करिएगा तो आपको प्रॉपर ओमेल शो करेगा। जो भी भाई बहन अगर इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में, तो वो आपका मेल पूरा पूरा नहीं खुलता है, परेशान हो जाते हैं। चूंकि ये हमारा जो ओमेल है ये अभी मोबाइल वर्जन नहीं आया है, डेस्कटॉप वर्जन ही है, इसलिए आपको अगर ओमेल पूरा देखना है तो आपको मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करना होगा। जो लोग लैपटॉप से अगर खोलते हैं ओमेल को तो उनको ऑलरेडी वो लैपटॉप डेस्कटॉप वर्जन पर है, उनको पूरा मेल वो दिखता है, इनबॉक्स में आपको चेक करना है। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई कि ऐसे मैसेज आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएंगे और आपके ओमेल आईडी पर भी आएंगे।